सबसे पहले आप सभी लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। एक्चुअली मैं आया था घंटाघर किसी काम से, तो यहाँ पे मुझे ये स्टैच्यू दिखे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए कि हमारे देहरादून के शहर में किस तरीके से आज इनको जलाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना ज्यादा क्राउड है और पुलिस वाले अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों आज अपनी बाइक नहीं ला पाया था मैं किसी कारण की वजह से। जो स्टैच्यू है जो बनाए गए हैं, इनको शाम के 4 या 5 बजे इनको जलाया जाएगा दोस्तों। तब सबसे पहले आप सभी लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आज है विजयदशमी यानी हमारा दशहरा, और आज ही के दिन भगवान श्री राम ने, हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम ने रावण का वध करा था दोस्तों। तो आज जगह जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह रावण के पुतले जलाए जाते हैं विजयदशमी के उपलक्ष्य में। तो आज हमारे शहर देहरादून में भी जो स्टैच्यू बनाया गया है रावण का, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का, तो उनको आज जलाया जाएगा दोस्तों और सेलिब्रेट किया जाएगा इस खास त्योहार को। दोस्तों आज अपनी बाइक नहीं ला पाया था मैं किसी कारण की वजह से, तो आज काफी टाइम बाद या काफी सालों बाद आप कह सकते हो कि मुझे ई रिक्शा या ऑटो विक्रम में बैठने का मौका मिल रहा है, तो काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है और नहीं भी लग रहा है अच्छा, क्योंकि आदत अपनी गाड़ी से हो गई है ना इस वजह से। और जैसा कि आप देख सकते हैं भैया, मैं फ्रंट सीट पर बैठा हूँ, तो कुछ खास तो बनता है अपनी गाड़ी छोड़ के। इस बार का जो स्टैच्यू है दोस्तों, ये पूरे देहरादून के इतिहास में सबसे बड़ा स्टैच्यू है, इसको आज जलाया जाएगा। आप क्राउड देख सकते हो कितना ज्यादा क्राउड आया हुआ है। अभी तो ये क्राउड कुछ भी नहीं है दोस्तों, धीरे 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 अभी क्राउड बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। बाहर तो आपने देख ही लिया है कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक कितना ज्यादा जाम हो गया। मैं अभी आ चुका हूँ परेड ग्राउंड में, और परेड ग्राउंड में ही आज हमारे जो स्टैच्यू है उनको जलाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली मैं आया था घंटाघर किसी काम से, तो यहाँ पे मुझे ये स्टैच्यू दिखे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए कि हमारे देहरादून के शहर में किस तरीके से आज इनको जलाया जाएगा और इस खास दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ इन स्टैच्यू को कि कितने ऊंचे ऊंचे हाइट के स्टैच्यू यहाँ पे लगाए गए हैं आज जलाने के लिए, और काफी ज्यादा क्राउड भी आया हुआ है और धीरे धीरे ये क्राउड बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। अभी दोस्तों ये सेंटर में है हमारा रावण, और ये साइड में तो मुझे भी नहीं पता कि एक साइड से एक मेघनाथ जी होंगे और एक कुंभकर्ण है, और अभी आप क्राउड देख सकते हो सब वीडियोज वगैरह फोटोज वगैरह, और इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाई जा रही है। और अभी ये क्राउड आपको कम लग रहा होगा दोस्तों, पर जब इसको जलाने का टाइम आएगा तब आप क्राउड देखिएगा। जो स्टैच्यू है जो बनाए गए हैं, इनको शाम के 4 या 5 बजे इनको जलाया जाएगा दोस्तों, तब आप भीड़ देखिएगा, भीड़ बहुत ज्यादा रहने वाली है और अभी भी क्राउड बढ़िया एटमोसफेयर मैंने कभी नहीं देखा, और मैं सच कह रहा हूँ अब लगा मुझे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का स्थापिता हो रही है जो मैं देख रहा हूँ। सुंदर से रावण जी लोगों ने दिल से इनका उजागर किया, इस बार हाइट भी ज्यादा है। कैसा लग रहा है आंटी यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए या इससे पहले भी आते हो? नहीं, इस बार बहुत अच्छा है, इस बार अच्छा है, हाइट भी ऊंची कर दी गई है, बहुत अच्छा है, हम मन खुश हो गया, मन खुश हो गया। तो शाम तक आप ऐसे ही रहोगे यहाँ पे? नहीं नहीं, शाम तक अभी। अच्छा, ये कितने बजे इसको जलाया जाएगा?
6 बजे के आसपास। तो दोस्तों हमारे शहर में इस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है आज दशहरे को, आपके शहर में किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है आज दशहरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या रावण के पुतले को जलाने में अभी काफी ज्यादा समय है और इतना ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, तो मैं काम से आया था लेकिन मुझे यहाँ पे पुतले दिखे तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इस बार काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इनको बनाया गया है और इस बार इनकी हाइट भी ज्यादा रखी गई है दोस्तों, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको हमारे शहर में किस तरीके से आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है उसको दिखाऊं मैं आपको, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और मैं निकल रहा हूँ अब दूसरे गांव के लिए, तो बने ढेर सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों इस ब्लॉग को और आप सभी लोगों को एक बार पुनः विजयदशमी की दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ और इतना आसान भी नहीं होता है शूट करना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों अभी का क्राउड देख लीजिए, बहुत ज्यादा क्राउड अभी हो गया है, अभी क्राउड और ज्यादा बढ़ेगा। दोस्तों अभी रावण की लंका जलाई जा रही है जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। दोस्तों रावण की लंका जलाने के बाद चलिए दशानन रावण को भी जला देते हैं। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।